झारखंड विधानसभा बजट सत्र का 16वां दिन और आज भी विपक्ष के सदन में हंगामेदार के सारे 15वें दिन यानी बुधवार को सीएम हेमंत सोरेन ने सदन विपक्ष के सवालों का जोरदार ढंग से जवाब दिया। सीएम हेमंत सोरेन ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष का काम नियुक्ति को लेकर छाती पीटना है, कोई भी व्यवस्था सही तरीके से नहीं थी। हम 5 लाख लोगों को नौकरी नहीं रोजगार देने की बात करते हैं, हम पीएम की तरह जुमलेबाजी कभी नहीं करते हैं करेंगे। और आगे सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि लगभग 150 करोड़ से ज्यादा राजस्व का लाभ झारखंड को हुआ है। सरकार 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने जा रही है, साथ ही 350 स्क्वायर फीट तक में बने मकान पर कोई टैक्स भी नहीं लिया जाएगा। वहीं सीएम ने बताया कि एक महीने में 20,000 नियुक्तियां निकाली जाएंगी। 2,898 पदों पर बहाली के लिए विज्ञापन निकाला जा चुका है। 2,000 से ज्यादा लड़कियों को नियुक्ति पत्र दिया गया है। कई लड़कियों का रेस्क्यू कर राज्य वापस लाया गया है। सीएम ने कहा, हमने खेल के क्षेत्र में लड़कियों को काफी प्रोत्साहित किया। आज खेल जगत में देश की कैप्टन बन हुई राज्य की बच्चियां मेधावी छात्रों को विदेश में पढ़ाने के लिए सरकार खर्च देने जा रही है। इसमें ST SC OBC के छात्रों को लाभ मिलेगा। स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए कार्य चल रहा है। सीएम हेमंत सोरेन ने आगे कहा कि अंबा प्रसाद समेत कई विधायक कोल कंपनियों के वजह से परेशान है। 2013 अधिनियम के तहत भूमि अधिग्रहण में कार्रवाई की जाएगी। हमने सभी को पेंशन योजना का लाभ दिया है जिसमें बुजुर्ग और विधवा को पेंशन का लाभ मिला है। वहीं सीएम हेमंत सोरेन ने कश्मीर फाइल्स पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि चलचित्र लाकर लोगों को भ्रमित करने का कार्य किया जा रहा है। इनकी नीति फूट डालो राज करो की है। कर्मचारी चयन आयोग को 7,267 अस्थायी पदों के नियुक्ति के लिए अधियाचना भेजा जा चुका है अध्यक्ष महोदय, और आयोग के द्वारा 2,898 पदों के लिए विज्ञापन भी निकाला जा चुका है अध्यक्ष महोदय। निकट भविष्य में बहुत जल्द, निकट भविष्य मतलब ये नहीं कि 2025, महीने भर के अंदर लगभग 20,000 पदों की नियुक्ति निकलने जा रही है। अध्यक्ष महोदय 21, अच्छा माननीय सम्मानित लोगों ने आदरणीय लोगों ने महामहिम लोगों ने 20 सालों में ऐसा किया कि विधायकों को आज चपरासियों के घर में रहना पड़ रहा। माननीय नवीन जायसवाल जी रांची में भी घर है, लेकिन विधायक जीतने के बाद भी विधायक मंत्रियों को आवाज नहीं खाली करेंगे। चलिए कोई बात नहीं, माननीय लोग हैं, ताकतवर लोग हैं। अध्यक्ष महोदय ये सरकार इसी कार्यकाल में विधायक आवास बनाएगी और सभी माननीय विधायकों को मंत्री आवास और सुसज्जित आवास बनाकर गृह प्रवेश कराएगी। अध्यक्ष महोदय मत कीजिए, अभी हम लोग 100 यूनिट बिजली, अब इस जो यूनिट 100 से कम खर्च करता है यानी 100 तक खर्च करता है उसको फ्री बिजली देने का काम सरकार करेगी। होल्डिंग टैक्स के लिए भी नई होल्डिंग टैक्स नीति सरकार ला रही है, जो लगभग 250 वर्ग फीट की अपेक्षा 350 स्क्वायर फीट पर बना हुआ मकान पर किसी भी प्रकार का होल्डिंग टैक्स नहीं लिया जाए, और इससे लगभग 85,000 गरीब परिवार को सरकार राहत देने जा रही है। आदिवासी को आदिवासी से लड़ाओ, दलित को दलित से लड़ाओ, ओबीसी को ओबीसी से लड़ाओ, अल्पसंख्यक को अल्पसंख्यक से लड़ाओ, हिंदू को हिंदू से लड़ा दो, यही इनका ये बात है। ये मैं इनको सैल्यूट करता हूं कि आपका ये फॉर्मूला 100% सक्सेसफुल है। फूट डालो और राजनीति करो, लेकिन चिंता मत कीजिए, उसका भी समाधान बहुत जल्द निकलेगा। और अधिक जानकारी के लिए रांची से हमारे संवाददाता संदीप जुड़ चुके हैं लाइव पे। संदीप,
झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का 16वां दिन है और आज भी सदन हंगामेदार होने के आसार है। ऐसे में क्या लगता है कि आज विपक्ष का क्या कुछ मुद्दा रहेगा? विधानसभा बजट सत्र का 16वां दिन है और कह सकते हैं जो बीजेपी के विधायक है विपक्ष के जो जन मुद्दे हैं उनको लेके सदन के बाहर शुरू से ही प्रोटेस्ट करते नजर आए हैं। आप देख सकते हैं संथाल परगना के जिला स्तरीय नौकरियों में कुर्माली भाषा लागू करने की मांग को लेकर विधायक जो बीजेपी के हैं वे खड़े हैं और कहीं ना कहीं जो जन मुद्दे हैं उन चीजों को सदन में लाने की कोशिश करते हैं ताकि उसका हल हो सके। विधायक जी, लगातार बीजेपी जो जन मुद्दे हैं उनको सदन में लाने का काम कर रही है, क्या लगता है सरकार इस पर? देखिए, जिस प्रकार से सरकार यू टर्न ले रही है, जिस प्रकार से सत्यान सरकार ये बोलती है कि हम लोग खतियानी आधारित स्थानीय नीति नहीं बना पाएंगे, मुझे ऐसा लगता है कि सरकार के आश्वासन के बावजूद कुर्माली को संथाल परगना में जोड़ने का एक भी प्रयास सरकार की तरफ से आने वाले दिन में नहीं हो सकता है। इसलिए शुरुआती दिन में ही विधानसभा में मैंने बातों को उठाया था, सरकार की तरफ से आश्वासन भी मिला था, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि सरकार इस मूड में नहीं है कि कुर्माली को संथाल परगना में तीर्थ और चतुर्थ वर्ग की नौकरियों में हिस्सेदारी मिले, जो काफी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। कुर्माली भाषा भाषी संथाल परगना में और गोड्डा में खासकर 80,000 के आसपास है, जिसके साथ सौतेला व्यवहार सरकार करेगी अगर कुर्माली तीर्थ और चतुर्थ वर्ग में शामिल नहीं होता है। इसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि तरह तरह की राजनीति हो रही है, लेकिन असली जो मुद्दा है जहां पे कुर्माली को हटा दिया गया उसकी चर्चा कोई नहीं कर रहा, तो मुझे ऐसा लगता है कि जहां चर्चा नहीं हो रही है उस चर्चा के लिए, उस मुद्दे को उठाने के लिए अमित मंडल हमेशा खड़ा है। कुछ विधायक और भी हैं, उनसे भी जानते हैं। हमारे साथ विधायक सीता सोरेन जी भी हैं। मैडम, किन चीजों को लेकर आज सदन में अपनी बात रख रहे हैं? 1932 की खतियान की बात करें, नियोजन की बात करें, सदन में क्या उन सब मुद्दों को आप देख सकते हैं? विधायक सीता सोरेन जी हैं और कहीं ना कहीं सीसीएल आम्रपाली परियोजना में वन भूमि पर जो अवैध परिवहन का कार्य चल रहा है उसको लेके धरने पे बैठ रही हैं और सदन के बाहर कह सकते हैं इस मुद्दे को लेकर सीता सोरेन खुद आज बैठी हैं। हमारे साथ सीता सोरेन, उनसे भी बात करते हैं। मैडम, जो आम्रपाली परियोजना है और इसमें जो परिवहन का कार्य हो रहा है वन क्षेत्रों में, उसको लेके आप धरने पे बैठे हैं, क्या मांग कर रही हैं? देखिए, ये हम कहाँ से शुरू करें इसके संबंध में मेरा दो बार क्वेश्चन आ चुका है सदन में, तारांकित के माध्यम से भी और ध्यानांकित के माध्यम से भी, लेकिन दोनों बार हमको सही जवाब बिल्कुल भी नहीं मिला। अब जो वस्तु स्थिति यही है कि हम भी खुद उस जगह का निरीक्षण किए हैं और उसमें ये पाए हैं कि वन विभाग का अतिक्रमण किया हुआ है सीसीएल के तरफ से, जो वहाँ पर अभी ट्रांसपोर्ट की कंपनी बीएलए और आरकेटीसी का ट्रांसपोर्ट चल रहा है। तो हम सरकार से यही मांग कर रहे थे कि वन भूमि का जो अतिक्रमण हुआ है उसको मुक्त किया जाए, लेकिन हमको जवाब सही नहीं मिल रहा है और हमको कहीं ना कहीं ये महसूस पूरे तरह से क्लियर लग ही रहा है कि सरकार के लोग ही इसमें लगे हुए हैं। जो हम लोग आंदोलन किए, गुरुजी बाबा आंदोलन किए जल जंगल जमीन की रक्षा करने के लिए, आज हम लोग रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। और यही नहीं, रांची से लेकर के बहरागोड़ा तक भी आप देखिएगा, अगर जांच होगी वन भूमि की जमीन की तो कई वन भूमि को अतिक्रमण किया हुआ है, लेकिन सरकार अब किनके साथ मिली हुई है? यहाँ जमीन की लूट शुरू से हो रही थी और आज ये पता चला है कि इस मेरे सवाल के द्वारा कि यहाँ भारी लूट हो रही है जमीन की, सीएनटी एक्ट की जमीन की बिक्री हो रही है धड़ल्ले से, तो यहाँ हमारा अस्तित्व जो है कि पूरे तरह से खतरे में है। सरकार को जिन जन आकांक्षाओं के साथ जनता ने बनाए उस पर खरे नहीं उतर रही है। तो आप देख रहे हैं सीता सोरेन ने अपने ही सरकार के खिलाफ कह सकती हैं धरने पे बैठी हैं। उनका कहना है कि जो जल जंगल जमीन की रक्षा करके सरकार
का निर्माण हुआ था, तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों से अछूता रह रहा है, क्योंकि अब भी यदि बात करें जंगल और जल जंगल जमीन की, तो कहीं ना कहीं वहाँ अतिक्रमण हो रहा है। और जो कुछ इलाके हैं जो वन विभाग से संबंधित हैं, वहाँ पे भी CCL के द्वारा जो सामान है उसकी ढुलाई हो रही है। और इन्हीं सब मुद्दों को लेके सीता सोरेन अपने ही सरकार के खिलाफ कह सकते हैं धरने पर बैठी हैं, और कहीं ना कहीं इनका आरोप है कि कई ऐसे लोग हैं जो मिले हुए हैं। और बिल्कुल संदीप, कहीं ना कहीं देखिए CCL का मुद्दा हो या फिर जनहित मुद्दे, उसको लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेरने की पूरी तैयारी में, पूरे मोड में है। तमाम बातचीत के लिए संदीप आपका शुक्रिया।